गुलाबराव पाटील, गांव दहीवत, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। बाबा कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली जगदीश पाटील, पत्र आप लोग टीवी पर पढ़ सकते हैं। मैं जगदीश, वैशाली जगदीश पाटील, जगदीश गुलाबराव पाटील, गांव दहीवत, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, हमारी शादी को 24 साल हो गए थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चा लाई है क्या साथ में? लाई है बच्चे को? लिया। गुरुदेव, 24 साल शादी को हो गए थे, फिर भी संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। फिर एक दिन मेरी सहेलियों ने बात करते करते कह दिया कि तू आस्था चैनल पर कथा सुना कर। हमने सियोर वाले महाराज की कथा आती है आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ कर। उन्होंने कहा सीहर वाले महाराज की कथा सुनो, आस्था चैनल पर सुनना शुरू किया। जैसे आपने बताया वैसे सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 महीने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा गर्भ ठहर गया। 25/6/2023 को मुझे बेटा हुआ है, जिसको लेकर मैं कथा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बच्चा छोटा था इसलिए और कथाओं में नहीं पहुंची। ये मेरा पहला पत्र है गुरुदेव, इसको स्वीकार करना। 24 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी। ये शिव कथा और घटी है। ये शिव उसकी भक्ति। आज के जमाने के नव युवक बेटा बेटियां 2 साल तक संतान को जन्म देने का प्रयास करते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब हमारी किस्मत में नहीं है। 3 साल में सोचते हैं कि अब हमारे भाग्य में नहीं है। डॉक्टरों का इलाज चालू होता है, इलाज करवाना प्रारंभ कर देते हैं। 3 साल 4 साल में डॉक्टरों का इलाज करवाते 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 5-6 साल में थक जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी। संतान का सुख नहीं, थक गए ये सोच कर कि अब हमारे यहां औलाद नहीं। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो 4 साल बाद भी अगर संतान हुई होगी तो बड़ा सोचा होगा भगवान ने दे दी। 5 साल बाद भी संतान हुई हो तो विचार आया होगा भगवान ने दे दी। कितने साल आस लगाओगे आप संतान के लिए? मेरी माता यहाँ बैठी है, मेरी जीजी यहाँ बैठी है, मान दादी से बोलना संतान के लिए कितने साल आस लगाओगे? 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, 6 साल में हो जाए, 7 साल में हो जाए, 8 साल में हो जाए, 9 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए। 10 साल के बाद कोई आस लगाएगा क्या कि औलाद हो जाएगी? अरे बोलो तो जम गया। 10 साल के बाद शादी के 10 साल निकल गए, उसके बाद कोई आस लगाएगा कि अब संतान हो सकती? फिर भी मन नहीं माना। देवी देवता सारी दुनिया में धोक लगाए, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, कहीं सो 12 साल निकल जाए, 13 साल निकल जाए, पर जिसके 20 साल निकल गए हो फिर क्या आस लगाओगे? और 20 साल के बाद भी 24 साल हो गए हो बाबा ने 24 वर्ष में